हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं सुमित और स्वागत है आपका इट्स सुमित कुमार की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं टाटा टियागो के नॉइज़ एंड वाइब्रेशन के ऊपर कि इस गाड़ी में कितना वाइब्रेशन है, कितना नॉइज़ है, जिस चीज़ के लिए ये काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ की जा रही है गाड़ी। काफ़ी ज़्यादा लोग बाग इसके बारे में सोच रहे हैं कि भाई ये गाड़ी लेंगे तो काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ मिलेगी इसमें, एकदम ट्रक है ये तो क्या रियलिटी है, क्या सच्चाई है इस गाड़ी की, वो सारी इस वाली वीडियो में डिटेल से देखेंगे। बहुत अच्छी तरीके से आपको सारी चीज़ें मैं समझाने वाला हूँ, सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि ये जो गाड़ी आपको सामने की तरफ दिख रही है, ये है टाटा टियागो का BS6 XZ मॉडल, जैसा कि आप पीछे की तरफ देख पा रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है XZ मॉडल, ठीक है। और इस वाली गाड़ी में आपको 1.2 लीटर का रेवोट्रॉन 3 सिलेंडर इंजन देखने को मिल जाता है। अब 3 सिलेंडर और 4 सिलेंडर इंजन में आपको फ़र्क मालूम होगा कि 4 सिलेंडर इंजन जो है थोड़ा सा स्मूथ रहता है और 3 सिलेंडर हार्श कहीं ना कहीं जो भी गाड़ी आप देखें उसमें रहता ही रहता है। बाकी इस वाली से गाड़ी में एक बार मैं आपको बाहर की तरफ इंजन कैसी आवाज़ करता है, कितना वाइब्रेट करता है, वो पहले मैं दिखाना चाहूँगा। तो सबसे पहले मैं गाड़ी को स्टार्ट कर लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने गाड़ी को स्टार्ट कर लिया और अभी मैं आपको आगे की तरफ दिखाता हूँ। सॉरी, मैंने बोनट खोलना तो भूल ही गया। तो सुनिए आप, ये जो इंजन है आप देख सकते हैं सामने की तरफ कितना ज़्यादा वाइब्रेट कर रहा है। इंजन का 3 सिलेंडर वाला कॉम्बिनेशन जो है जब ठीक ठाक तरीके से नहीं बैठ पाता है तब इंजन वाइब्रेट करता है, और इंजन के साथ साथ आपका पूरा जो गाड़ी का चेसी है वो वाइब्रेट करता है और इसीलिए आपकी पूरी हो गाड़ी की गाड़ी वाइब्रेट करती है। अब जो नई टियागो आपको देखने को मिल रही है उसमें यहाँ पर ऊपर की तरफ देख सकते हैं, यहाँ पर ब्लैक कलर की जो पैडिंग है वो आपको देखने को मिल जाएगी, उस कारण जो इंसुलेशन और वाइब्रेशन है थोड़ा सा सटल हुआ है। बाकी कितना क्या है, इस वाली में भी आपको कितना वाइब्रेशन देखने को मिल जाता था वो अभी हम देखते हैं। और जो नई टियागो है उसमें थोड़ा सा जो इंजन बे है उसमें भी स्पेस क्या है थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, तो इसे हम बंद करते हैं। आपको मैंने बाहर की जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो बता दी, अब हम अंदर की तरफ जाके थोड़ा सा चेक करते हैं कि आपको केबिन में कितना वाइब्रेशन और कितना नॉइज़ देखने को मिलता है। तो पहले तो मैं इसे बंद कर लेता हूँ, गाड़ी मेरी न्यूट्रल में ही। तो सबसे पहले तो हम चेक करते हैं कि गाड़ी में आपको वाइब्रेशन कितना देखने को मिलता है, ठीक है। तो उसके लिए स्टार्टिंग से आपको बताना पड़ेगा वाइब्रेशन की जो समस्या आती सबसे ज़्यादा गियर लीवर में है, डैशबोर्ड में है, आपका ओवरऑल जो छत है गाड़ी की, रूफ़ है, वो कितनी वाइब्रेट करती, सीट और आपका जो स्टेयरिंग डोर्स वगैरह ये कितने वाइब्रेट करते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम देख लेते हैं, ठीक है। तो फिलहाल तो एकदम शांत है गाड़ी, अभी मैं अब इसे स्टार्ट करता हूँ तो आप गियर पर देख लीजिए गियर कितना वाइब्रेट करता है, ठीक है, थोड़ा सा वाइब्रेट किया है। अब जो गाड़ी के RPM है ये नॉर्मल है, 800 के लगभग आप यहाँ पे देख सकते हैं, और 800 के RPM पर मैं आपको बताऊँ गियर में ना के बराबर वाइब्रेशन है, डैशबोर्ड पर आपको वाइब्रेशन फील होगी हल्की फुल्की, और सबसे ज़्यादा तो भाई जहाँ मैं बैठा हुआ हूँ सीट पर मुझे वाइब्रेशन फील हो रही है, और रूफ़ की अगर बात करूँ तो रूफ़ में हल्की हल्की वाइब्रेशन है, स्टेयरिंग में कोई वाइब्रेशन नहीं है, रूट्स पर वाइब्रेशन है। तो हाँ भाई वाइब्रेशन है, लेकिन ये मतलब हर गाड़ी में रहता है हल्का फुल्का, और नॉर्मल आप जिस 4 सिलेंडर वाली गाड़ी से 3 या 4% ज़्यादा वाइब्रेशन इसमें देखने को मिलेगा, काफ़ी ज़्यादा नहीं है। और एक चीज़ मैंने नोटिस करी है कि जब आप RPM थोड़ा 2000 तक, ठीक है, मैंने 2000 तक बढ़ा दिए हैं, 2000 तक जब इस इंजन के RPM पहुंच जाते हैं ना तब ये जाके काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो जाता है, और इस समय मुझे ना डैशबोर्ड में वाइब्रेशन देखने को मिलेगा, ना इसके रूफ़ में वाइब्रेशन देखने को मिलेगा, ना सीट पे वाइब्रेशन, कहीं कोई खास ज़्यादा वाइब्रेशन नहीं है। सो ये रही वाइब्रेशन की बात, भाई कोई खास ज़्यादा वाइब्रेशन नहीं है, आप गियर लीवर को भी आराम से देखें, नहीं है कोई खास ज़्यादा वाइब्रेशन नहीं है। जब BS4 में ज़्यादा वाइब्रेशन नहीं है तो BS6 में तो क्या ही वाइब्रेशन होगा, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा ECU अपडेट और उनके साथ आई है। तो ये सारी चीज़ें रही वाइब्रेशन के बारे में बिल्कुल। और अब हम बात कर लेते हैं नॉइज़ के बारे में कि गाड़ी में कितना नॉइज़ है। वैसे अभी गाड़ी काफ़ी ज़्यादा गर्म हो रही इसलिए मैंने जो गाड़ी के शीशे हैं उन्हें खोल दिया था, अब मैं इन्हें थोड़ा सा चढ़ा देता हूँ, चारों शीशे बंद कर देता हूँ।
ठीक है, अब मैंने चारों शीशे बंद कर दिए हैं, एसी ऑफ है बिल्कुल, और आप थोड़ा सा जब गाड़ी शांत है वो वाली नॉइज़, मतलब जब गाड़ी शांत है वो वाली जो सिचुएशन है उसे थोड़ा सा हेडफोन्स में फील करें, अपने ईयरफोन जो भी आपने लगा रखे हैं। मैं एक मिनट के लिए, थोड़ी देर के लिए शांत होता हूँ। ठीक है, तो ये थी भाई नॉर्मल सिचुएशन, अब गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने के टाइम पे कुछ इतना नॉइस करती है। एक चीज़ आप देखेंगे, जब क्लच प्रेस रहता है तब गाड़ी की आवाज़ अलग रहती है, और जब क्लच छोड़ देते हैं तब गाड़ी की आवाज़ अलग रहती है। क्लच छोड़ने के बाद हल्का सा वाइब्रेशन और नॉइस थोड़ा सा बढ़ जाता है, बिल्कुल मिनिमल सा, कोई खास ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। बाकी नॉइस की अगर मैं बात करूँ तो भाई इतनी ज़्यादा नहीं है जितना लोग बाग हाइप कर रहे हैं, बहुत मिनिमल सी नॉइज़ है। और ये जो नॉइज़ है ना, ऐसी नहीं है कि आपको एकदम परेशान करके रख दे, बिल्कुल अच्छी सटल सी आवाज़ है। और इंजन में ये आवाज़ आना मतलब कि लाजमी है, हालांकि पेट्रोल इंजन के मुकाबले ये इंजन थोड़ी सी ज़्यादा आवाज़ करता है बाकी गाड़ियों की तुलना में, लेकिन उतना ज़्यादा भी नहीं करता कि इसको एकदम ट्रैक्टर जैसी भी ना जाने क्या क्या बोल देते हैं लोग बाग, तो ऐसी कोई बात नहीं है भाई। गाड़ी हैवी है तो थोड़ा सा मतलब वाइब्रेशन वगैरह इसमें कम है, उतना ज़्यादा नहीं है। थोड़ा सा मैं आरपीएम आपको बढ़ा के दिखाता हूँ 2000 के आसपास, और अब आप देखिए कितना ये गाड़ी नॉइस करती है। सुन पा रहे हैं? तो ये थी भाई इसके नॉइस की बात। अब मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ नॉइस की, अब अगर हम बात कर ही रहे हैं तो नॉइस जो करते हैं वो है इसके ब्लोवर। ब्लोवर को मैंने 1 की स्पीड पर चलाया, आप सुन सकते हैं वाइब्रेशन जो है हल्की सी बढ़ गई है। अब मैं थोड़ा इसे 2 की स्पीड पर लेके आ गया हूँ, वाइब्रेशन नॉइज़ थोड़ी सी बढ़ गई है। बस ये मतलब इसकी लिमिट है, इससे ज़्यादा तेज़ अगर आप 3 या 4 की स्पीड में, यहाँ पर 3 या 4 इन दोनों पे अगर आप चलाएंगे ना, बहुत ज़्यादा नॉइज़ करता है। हालांकि जितना ये नॉइज़ करता है उस हिसाब से इसका थ्रो भी है कि भाई पीछे वाली जो सीट है वहाँ पर प्रॉपर आपको हवा वगैरह चली जाती है। तो एक बार मैं आपको वो आवाज़ भी सुना देता हूँ। तो ये मैंने ब्लोवर को एकदम फुल पे कर दिया है, और ये जो ब्लोवर है ये इतनी कुछ नॉइज़ करते हैं, बाकी गाड़ियों में ये चीज़ नहीं मिलेगी आपको, ये टियागो में देखने को मिल जाती है। सो नॉइज़ से रिलेटेड इतना कोई खास ज़्यादा इशू नहीं है। ओवरऑल मैं तो यही कहूँगा भाई कि जिस प्राइस पॉइंट पर ये गाड़ी, इतनी अच्छी बिल्ड क्वालिटी, इतना लग्जीरियस, इतना प्रीमियम केबिन, इतनी मतलब अच्छी चीज़ें जो अवेलेबल कराती है, इतना अच्छा माइलेज, इंजन की परफॉर्मेंस, वो छोटी मोटी चीज़ें मतलब ये हल्की फुल्की चीज़ें नेगलेक्ट करने लायक हैं इस गाड़ी में मेरे हिसाब से। बाकी आप चाहें तो कंसिडर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। मेरे को 1 साल यूज़ करते करते हो गया गाड़ी को, अभी तक कोई दिक्कत नहीं आई है नॉइज़ से रिलेटेड। तो और नॉइज़ से रिलेटेड एक दिक्कत आई थी, जो इसके डोर्स हैं वो मतलब थोड़े से रेटलिंग साउंड करते थे दचकों में, मतलब जैसे ऑफ रोडिंग वगैरह पे जाओ। तो टाटा के शोरूम पे गया तो वहाँ पर 1-2 बार ठीक कर दिया, फिर हो गया। उसके मतलब उसके बारे में मैंने एक आई बटन में वीडियो आपको शो हो रही होगी, वहाँ पर आप जान लें डिटेल में क्या इशू था। लेकिन उसका कारण मैं एक मानता हूँ कि जो डोर हैं इनमें जो स्पीकर्स हैं वो टाटा ने कुछ ज़्यादा ही तगड़ी क्वालिटी के दे रखे हैं भाई, साउंड क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है। और जब वो जो बेस वगैरह प्रोड्यूस करते हैं, हो सकता है उनके वाइब्रेशन के कारण जो डोर्स में थोड़ा बहुत रेटलिंग साउंड है वो आता होगा। बाकी इग्नोर करने लायक चीज़ है, जब गाड़ी चलती है, जब आप म्यूज़िक सिस्टम चलाते हैं, आप ये नॉइज़ वॉइस जो छोटी मोटी चीज़ें ये सब भूल जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा भाई ये गाड़ी नॉइज़ करती है क्या, क्योंकि उस समय आप म्यूज़िक का इतना ज़्यादा आनंद ले पाएंगे पर्सनली इस गाड़ी में, टियागो की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, सो ये सारी बातें रहीं टाटा टियागो के नॉइज़ के ऊपर। आप देख सकते हैं, आपको मैंने सारी चीज़ें आप एकदम आपके सामने करके बताया, कोई खास इसमें दिक्कत नहीं है। आप बिल्कुल गाड़ी को आँख बंद करके कंसिडर कर सकते हैं। और यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए इस वाले चैनल को इसी तरीके की अच्छी अच्छी वीडियोज़ के लिए। और इस समय मैं आपको अपना, तो आप देख सकते हैं जो पसीना है कितना आ रहा होगा, तो भाई वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा इस वाले चैनल को। मैं आप लोगों के लिए इसी तरीके की अच्छी अच्छी वीडियोस लाता रहता हूँ। बाकी मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।